इस सौभाग्य से हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे तो हर बरसात में करीब 1 लाख के कपड़ा दुकान में घुसकर पानी भर जाता है। हम लोग और आज शाम को 4 बजे बहुत ही सौभाग्य की बात है, देवी माई की कृपा थी कि आज शासन द्वारा 5 करोड़ रुपया प्रथम किस्त जो नाले का आज 30 वर्षों से लगा हुआ था, पैसा नहीं आ रहा था, आज ही 4 बजे जारी हुआ है। माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। जिस समय हम लोग मऊ जनपद के मधुबन नगर पंचायत में खड़ा है, जहाँ आज सुबह से सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था देवी माता के स्थान। यहाँ यह जो है जो इस समय वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष है इनके सौजन्य से और यहाँ के लोगों के मदद से यहाँ पे आज पूजा पाठ का कार्य चल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कृतार्थ हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही पूजा संपन्न हुआ है, इस मधुबन को बहुत बड़ा सौगात मिला है, करोड़ों का सौगात मिला है। अगर हम आपको बताएं तो 26 करोड़ से ज्यादा, लगभग 26 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट मधुबन के नगरवासियों को मिला है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पे जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शंकर मकेशिया जी मौजूद हैं और इनके सहयोगी शुक्ला जी और तमाम पीयूष भाई हैं और वरुण जी हैं और तमाम ब्रिजेश जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कैसा महसूस करते हैं जब एक पूजा पाठ और श्रद्धा का काम किया जाता है और उसके बाद चमत्कार में आशीर्वाद में जब आपको एक ऐसा सौगात मिलता है जिसे विरोधी तो विरोधी अन्य और भी लोग जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जुबानें बंद हो जाती है जो पूर्व में कुछ और कहे होते हैं। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी जो संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे जो आज ये प्रोजेक्ट मिला है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम इसके आगे कुछ आप लोगों को बताएं, इससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन से हमारे पास है। सर, आज जानकारी हम लोगों को मिला है कि बहुत बड़ा मधुबन को सौगात मिला है, क्या है इसमें, क्या प्रकरण है सर? देवी माई की कृपा से जी आज 2 दिवसीय 9 सप्तशती दुर्गा पाठ हुआ। 9 दुर्गा पाठ यहाँ पे सम्पन्न होने के बाद कुंवारी कन्याओं का कन्या पूजन हम लोगों ने कराया, जिसमें मधुबन के सभी नगरवासी मिलजुल के इस कार्यक्रम को सफल बनाए, जिसमें करीब करीब 2000 से ऊपर कन्याओं ने हिस्सा लिया। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आज शाम को 4 बजे बहुत ही सौभाग्य की बात है, देवी माई की कृपा थी कि आज शासन द्वारा 5 करोड़ रुपया प्रथम किस्त जो नाले का आज 30 वर्षों से लगा हुआ था, पैसा नहीं आ रहा था, आज ही 4 बजे जारी हुआ है। माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नगर विकास मंत्री जी को मैं प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो था मधुबन नगर वासियों को दे दिया। मैं इनको चरण स्पर्श करता हूँ और यहाँ के विधायक जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी उस कार्य के लिए बहुत ही मेहनत किया था और सभी लोगों के आशीर्वाद से सफल हो गया। ये एक संजोग मानते हैं या चमत्कार मानते हैं आप इसको? यह चमत्कार भी कहिए और मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री जी का आशीर्वाद भी सबसे बड़ा है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? अच्छा, कब लगा आपको इसके पहले पूर्व में आपको क्या ये आपको लगता था कि इतना जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है कि स्वीकृत हो जाएगा और पैसा भी स्वीकृति हो जाएगी और अमाउंट भी आ जाएगा इसको कार्य का शुभारंभ कराने के लिए? देखिए, इसमें एक बात है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी नगर निकाय है इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी को मिला नहीं था, इतना बड़ा सहयोग सरकार द्वारा नहीं मिला था। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय नगर विकास मंत्री जी का बहुत बड़ा कार्य है कि यह नगर पंचायत को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। केवल हम लोगों का तो थोड़ा सा प्रयास था, लोगों का आशीर्वाद। नगर पंचायत वासियों के लिए क्या कहेंगे आप इस मौके पे? पहले तो सबको धन्यवाद देते हुए, शासन को, सरकार को धन्यवाद देते हुए, माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए, आज मैं अभी तक 2 दिन से यहीं पे हूँ, अभी गया नहीं हूँ, माँ के आशीर्वाद से और नगरवासियों के आशीर्वाद से इतना बड़ा सहयोग कार्य हुआ, संपन्न हुआ है।
तो आपको बता दें कि अगर नियत नेक हो तो मंजिल दूर नहीं होती है। इसको आप देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से दो दिन से यहाँ पे पूजा पाठ का कार्य चल रहा था, लोग मेहनत से लगे हुए थे, नगर पंचायत के लोग लगे हुए थे, और उसके बाद जैसे ही पूजा का समापन होता है मधुबन को एक सौगात मिलता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि शंकर मद्देशिया जो एक चेहरा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर के चलने का जो काम करते हैं, इसी क्रम में एक मुस्लिम चेहरा भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल फैज खान है। अबुल फैज खान जी, इनको काफी दिन से मैं संपर्क में है, और मैं मधुबन क्षेत्र में जो है दौरा कर रहा था, देखा बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत विकास किए हुए हैं, और जनता सब इनके पक्ष में है। इनके विकास कार्य से आप प्रभावित होकर के रुक गए आप? इनके कामों से, व्यवहार से सारी जनता मधुबन क्षेत्र की खुश है। और आज जो प्रोजेक्ट मिला है जी, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब जो है चेयरमैन साहब के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और नगर विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम मिला है, बहुत बड़ा काम मिला है। कि यहाँ पे अब यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। ब्रजेश मल जी, मधुबन कपड़े की दुकान। सर मधुबन नगर पंचायत के आप रहवासी हैं, आज मधुबन को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, इसको क्या मानते हैं आप, चमत्कार या संयोग? प्रशांत 25 साल से नेताओं को हम लोग पहला लोग आग्रह करते थे कि मधुबन का नाला बन जाए, लेकिन कोई मन से घोषणा करता था फिर भी कार्य हम लोग का नहीं होता था। सीधे संयोग की बात की, इस शासन में नगर विकास मंत्री हमारे जिले के हैं, हम लोग चेयरमैन प्रतिनिधि के साथ हमसे कहे कि ऐसा है ब्रिजेश भैया कि सुबह हम लोग चलना है मंत्री जी के पास, हम कहे भाई हमको टाइम नहीं, दुकान पर अकेला, कहे हम नाली की बात, हम कहे नाली के लिए तो हम अपना जान दे सकते, हम चलेंगे। और सुबह हम लोग निकले, वहाँ वार्ता हुआ, हम कहे मंत्री से कि मंत्री जैसा कि 25 करोड़ का ये लोग कहते थे बजट पास होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वह कह रहे कि हम 1.5 करोड़ बढ़ाकर 26.5 करोड़ दे रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए कि काम होगा। तो ईमानदार मंत्री की वजह से हम लोग आश्वस्त थे, आज नहीं कल यह काम होगा, और देव माई और प्रभु श्री राम की कृपा से आज हम लोग को इसी दिन आ गया, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। योगी जी को और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बड़ा काम मधुबन के लिए था, इतना बड़ा काम मधुबन के लिए कोई नहीं था जितना काम हुआ है। इसका श्रेय यानी कि यहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, नगर पंचायत अध्यक्ष, आप जैसे सहयोगी लोग हैं, इन लोगों को जाता है, इसको आप क्या कहेंगे? सबके सहयोग से जाता है, जाता है। प्रताड़ना था कि नाली त्रस्त है, सबके सहयोग से। कितने साल से परेशान थे? कितने साल? हम लोग 25 और 30 साल से हम कौन माने कि नाली से परेशान थे। 25 से 30 साल हो गया यहाँ पे, अभी तक नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते यहाँ पे जितने दुकानदार हैं, लगभग दुकानदारों के दुकानों में पानी जाने का संभावना प्रबल रहता था और जाता भी था, इससे लोग काफी परेशान थे। लेकिन एक वक्त आज ऐसा आया, यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके प्रयास से, और आज यहाँ पे जो पूजा पाठ का कार्य किया गया है, इसके सौभाग्य से आज यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट मधुबन को मिला है, जिसका जितना भी सराहना किया जाए वह कम है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यहाँ के नगरवासियों को, नगर पंचायत मधुबन के रहवासियों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और इनको बहुत बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ, इनको ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे चैनल के तरफ से भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खबरों के लिए बने रहो तन भास्कर के साथ, मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, कैमरामैन वीर बहादुर, धन्यवाद।